पिछले 20 साल से मैं राजनीति में हूँ, पिछले 20 साल से हर समाज के लिए कोई लेके चल रहा हूँ। आज चुनाव दाखिल होते ही इस तरीके का वीडियो, पूरे देश में लोग इस तरीके की गलत वीडियो को जो है वायरल करते हैं, मॉब करते हैं और भेजते हैं। चुनाव जो है मुद्दों पे जीता जाता है, चुनाव जो है विजन पे जीता जाता है, चुनाव जो है आप क्या करोगे मलाड कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उस पर जीता जाता है, या आप क्या करे हो आज तक मलाड के लिए। आप जब बाहर से आओगे तो इसी तरीके से षड्यंत्र रचोगे, कम्युनलाइज करने की कोशिश करोगे, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करोगे। कोई भी समाज का आदमी, कोई भी धर्म का आदमी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। और असलम शेख का तो ये इतिहास है कि जितने गणपति दर्शन मैं करता हूँ, जितने मंदिरों के लिए काम मैंने किया, जितने गुरुद्वारों के लिए, जितने चर्च के लिए, जितने यहाँ पे हिंदू सिमेट्री जिसका काम जितना मैं किया हूँ, यहाँ के एक एक हिंदुओं के दिलों में, एक एक सिखों मुसलमानों के और हमारे जितने भाइयों सबके दिलों में असलम शेख राज करता है। आज 20 साल के बाद आप इस तरीके का कोई वायरल करोगे तो आप दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हो कि मलाड की कोई जनता आपसे बेवकूफ नहीं होगी। और पुलिस को हमने खुद कहा है कि जाके इस इंसिडेंट का आप उसके ऊपर जो है तहकीकात करिए, अगर इस तरह की हरकत हुई है तो ताबड़तोब जो है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर नहीं हुई है तो जो इस वीडियो को घुमा रहा है, जो यहाँ पे जातिवाद करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 20 साल में आज तक का मलाड के अंदर हमने कोई जातिवाद होने नहीं दिया, और आगे भी जो लोग ये सोच के आए हैं कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जातिवाद करेंगे, तो याद रखें कि जब इस तरह की हरकत होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।